so here we are having another question the bus decreases its speed स्पीड uh, from 80 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर in फाइव सेकेंड ठीक है तो हमें उसका एक्सलरेशन पता करना है बस का अब आप बोलोगे कि एक्सलरेशन uh, तो हमें ये पता है कि हम हमेशा जब स्पीड को बढ़ाते हैं तो हम एक्सलरेट करते हैं बॉडी को और उसमें एक्सेलरेशन होता है जैसे आप आपकी गाड़ी को भी एक्सलरेटर से जो है स्पीड बढ़ाते हो और कम करते हो ठीक है तो हमको यहाँ का क्या कहा है लेकिन कि उसका जो वेलोसिटी है पहले बस का वो 80 किलोमीटर पर आवर है और बाद में उसका जाकर वेलोसिटी जो है 60 किलोमीटर पर आवर है जो कि कम हुआ है पाँच सेकंड में पाँच सेकंड में उसका वेलोसिटी कम हुआ है तो हमें पता करना है कि उसका एक्सलेशन क्या होगा तो सिंपली हमको बहुत सिंपली ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमको बस सिंपली उसको समझना है हमें क्या गिवन है इनिशियल स्पीड पता है बस की जो कि क्या है एटी किलोमीटर पर आवर ठीक है अभी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है हम उसको कन्वर्ट क्यों करना चाह रहे हैं मीटर पर सेकंड में क्योंकि हमें जो टाइम है वो सेकंड में दिया है समझ रहे हैं आप व्हाई वाई वी आर कन्वर्टिंग नहीं तो हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी अब किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो फाइव बाई एटीन कैसे आता है वो मैं यहाँ से आपको बता सकती हूँ वन किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है थाउजेंड मीटर अपॉन वन आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड आर देयर थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हेयर वी आर हैविंग सिक्सटी मिनट्स और एक मिनट में सिक्सटी सेकेंड होते हैं तो मैंने सिक्सटी मल्टीप्लाई सिक्सटी यहाँ लिख दिया है ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल जीरो से ज़ीरो कैंसिल यहाँ सिक्स जा नहीं सिक्स जा नहीं कर सकते हम यहाँ पर हम लाएंगे फाइव ज़ार टू फाइव ज़ार टेन और टू थ्री ज़ार सिक्स अब थ्री सिक्स क्या हो गया एटीन और यहाँ क्या बचा फाइव तो हमारा आंसर क्या आया वन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड इसको आगे भी आप सॉल्व करोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं है तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में तो वट वी आर जस्ट वॉट वी विल डू कभी भी ऐसा हो आपको क्या करना है बस फाइव बाई एटीन का मल्टीप्लाई कर दो उसमें ठीक है ठीक है तो एटीन मल्टीप्लाई फाइव बाई एटीन हमारा आंसर क्या आएगा ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू मीटर पर सेकेंड गॉट इट तो हमारा जो पहला जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड ऑफ बस फाइनल स्पीड क्या है बस का सिक्सटी किलोमीटर पर आवर है इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो हमारा आंसर जो uh, आएगा दैट यू कैन डू बाई कैलकुलेटर और बाय योर सेल्फ ऑल्सो यू ओनली हैव टू डिट सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर ठीक है टाइम टेकन टू डिक्रीज द स्पीड हमको टाइम कितना लगा स्पीड को कम करने में फाइव सेकेंड टाइम लगा अब एक्सेलरेशन पता करना है तो वी हैव द फॉर्मूला और हम कह सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारे पास में है और फॉर्मूला भी होता है एक्सेलरेशन का जो कि उसके डेफिनेशन में भी हम कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन तो आ, हम वही फार्मूले को रख करके और चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी रखेंगे जो कि हमारा क्या है फाइनल वेलोसिटी हमें क्या मिला है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन मीटर पर सेकेंड उसको रखा माइनस यू देट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो कि क्या था ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू सेकेंड टू टू मीटर पर सेकेंड उसे रखा अपॉन में फाइव रखा बिकॉज वी नो टाइम क्या है हमारा फाइव सेकेंड और हमें इसको कन्वर्ट क्यों करना पड़ा क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जा करके लास्ट में हमको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी और हम कभी भी डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक उनका ऐसा यूनिट सेम नहीं होता है ये बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आप ऐसा नहीं कर सकते कि, कि किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को आप मीटर पर सेकेंड वाली वैल्यू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा ठीक है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा माइनस वन पॉइंट वन वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हमारा ऐसा यूनिट होता है एक्सेलेशन का इसलिए हम सेकेंड स्क्वायर लगा समझ में आ गया आपको अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि माइनस में वेलोसिटी आ रहा है इसका मतलब द नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलेशन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द बस इज डिक्रीजिंग जो नेगेटिव साइन है एक्सेलेशन का वो हमें ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है बस की वो कम हो रही है एज यूजल हमको क्वेश्चन में भी कह दिया था इसका मतलब जो बस है वो रिटार्ड्स कर रही है रिटार्ड मतलब अपना एक्सेलरेशन कम कर रही है रिटार्डेशन हो रहा है जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं सो थैंक यू सो मच